आज हम बात करने जा रहे हैं कि डेटा को कैसे एंटर करते हैं जब सर्वे रिस्पॉन्स हो और एक से ज्यादा जो है वो पॉसिबल आंसर्स हो। तो ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, तो मैंने सोचा कि इस पे एक छोटी सी जो है वो अपडेट दे दी जाए ताकि लोगों को इसमें आसानी हो जाए कि डेटा कैसे एंटर करते हैं। एक डेटा है, क्वेश्चनर है, जिसमें असेसमेंट है, कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल कंडीशन। यहाँ पे हम जो है वो आईडीपी से, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल से पूछ रहे हैं कि आप पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बाद किस क्या आपकी ओपिनियन है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर वन जो है, इसका जो वन है इसमें आपके पास हम पूछ रहे हैं इन जनरल हाउ इज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रिटर्नीज दैट हैव रिटर्न इन दिस विलेज कंपेयर टू देयर प्री कॉन्फ्लिक्ट कंडीशन। तो ये पांच ऑप्शंस गिवन है, मच वर्स, स्लाइटली वर्स, द सेम, स्लाइटली बेटर, मच बेटर। अब इसमें से सिर्फ एक ऑप्शन क्लिक होगी तो इसका मतलब यह है कि ये सारे का सारा डेटा हर इंडिविजुअल के लिए एक सिंगल कॉलम में एंटर हो जाएगा, जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन वन का वन पार्ट है। और लेट से जो पर्सन नंबर 101 है उसने कहा जी कि ये मेरे पास जो है कंडीशन जो है वो बेहतर हो जाएगी, तो हमने उसको कह दिया कि ये आपके पास जो है, या मच वर्स है तो हमने मच वर्स कह दिया। इसको कोड मच वर्स को हमने वन दे सकते थे तो इस फॉर्म में। बट जो मेन पर्पस है इस वीडियो का वो है कि क्वेश्चन नंबर 2 का डेटा कैसे एंटर किया जाए। तो यहां पे है इन योर ओपिनियन व्हाट आर द मेन प्रायोरिटीज नीड्स इन दिस विलेज टू टिक ऑल दैट अप्लाई। अब यहां पे आपके पास यू हैव मोर देन वन पॉसिबल ऑप्शंस एंड यू कैन आंसर इट लाइक हाउसिंग, रोड्स वाटर एंड सैनिटेशन, जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब कोई ये तीन ऑप्शंस भी टिक कर सकता है, कोई दो ऑप्शंस टिक कर सकता है, कोई एक ऑप्शन टिक कर सकता है। तो अब इस केस में क्वेश्चन को, डेटा को कैसे एंटर किया जाए। बहुत सारे लोग इसको बहुत गलत तरीके से वो समझते हैं कि ये एक कॉलम जो है, ये जो क्वेश्चन टू है इसकी इस फॉर्म में ये डेटा एंटर होगा। ये इस फॉर्म में डेटा एंटर नहीं होगा, इसके लिए आपको ये क्वेश्चन नंबर ये जो 1.2 है इसके फर्दर 8 क्वेश्चंस जो है वो आपको 8 कॉलम्स बनाने हैं। याद रखिए डेटा एंट्री के लिए एक बात बहुत ही जरूरी है कि एक रिस्पोंडेंट का डेटा एक रो में आना चाहिए, अगले रिस्पोंडेंट का डेटा नेक्स्ट रो में आना चाहिए। अब अगर यहां पे आप लिखें कि उसने फर्ज करें दो ऑप्शंस दे दिए हैं कि आपके पास सिक्योरिटी और रोड्स कंडीशंस, तो अब आपके लिए इश्यू ये होगा कि अब ये दो एंट्रीज आप एक ही कॉलम में कैसे करें। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1-2 है तो हमने 1_2A, 2B, 2C, 2D, 2E, F, G, H और उसके बाद फिर इस क्वेश्चन की एक ही पॉसिबल आंसर हो सकता है, तो इसलिए हमने इसका एक ही कॉलम रखेंगे। तो इसलिए इसका भी एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, इसका भी हम एक कॉलम रखेंगे। तो इस तरह से आपके पास ये डेटा जो है वो एंटर होगा। जैसे यहां पे ये डेटा एंटर्ड है रिस्पोंडेंट नंबर 1 और हमने कहा जी कि उसने पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिया मच वर्स, दूसरे वाले क्वेश्चन में उसने जो है सिक्योरिटी एंड ऑर्डर सिचुएशन को कहा है कि ये जो है मेन प्रायोरिटी है 1। दूसरे उसके अलावा उसने जो 2E है उसने जॉब अपॉर्चुनिटीज को भी कहा है कि ये भी मेन प्रायोरिटी है, और उसने जो है वो एजुकेशन है इसको भी कहा है कि ये मेन प्रायोरिटी है। ठीक है, तो ये आपके पास उसने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन को भी मेन प्रायोरिटी कहा है। तो ये उसकी आपके पास 1 और ये 2 और उसने इसके 3 पॉसिबल आंसर दिए हैं। जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है उसने यस, उसके बाद इसको भी यस और इसको भी यस कहा है। अब यहां पर देखिए जो रिस्पोंडेंट नंबर 5 है उसने इसको यस कहा है और इसको यस कहा है, जबकि बाकी रिस्पोंडेंट ने इनको जो नंबर 4 ऑप्शन है वाटर एंड सैनिटेशन उनको नो कहा था और यस कहा है, और इसमें भी उसने यस कहा है। तो ये अब आपके पास जब
एक से ज्यादा पॉसिबल आंसर्स हों किसी क्वेश्चन के, तो उस केस में सिंपल सी बात है कि आपको उतने कॉलम्स बनाने होंगे उस डेटा को एंटर करने के लिए। ये डेटा आप एसपीएसएस में भी एंटर करेंगे, इसी तरह से होगा एक्सेल में करेंगे, इसी तरह से होगा। इस वक्त मेरे पास ये स्टेटा में डेटा जो है वो अवेलेबल है, तो अब ये देखिए मच वर्स, ये रिस्पॉन्डेंट नंबर वन, स्लाइटली वर्स टू थ्री फोर, और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री, क्वेश्चन नंबर टू के जो है वो आठ पॉसिबल ऑप्शंस हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो ये आपने एट कॉलम्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं और हर एक का ये पूछ लिया। अब ये आप लेबल्स इसको कैसे दे सकते हैं, तो आप वैल्यूज हाइड कर, लेबल्स हाइड करके वैल्यूज लेना चाहते हैं, तो आप यहां पे हाइड ऑल वैल्यू लेबल्स, तो ये जीरो वन की फॉर्म में, कि अगर ये वो उसको जो है क्वेश्चन नंबर टू की ऑप्शन वन देगा तो हम जीरो कह देंगे, नहीं देगा तो जीरो कह देंगे, देगा तो वन, यस 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 नो यस यस नो यस, तो उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आप चाहें तो आप इसके बाद वेरिएबल मैनेजर में जाके आप यू कैन प्ले अराउंड विद दिस, जैसे ये हमारे पास जो है वो यहां से आप लेबल्स को मैनेज कर सकते हैं, एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक कंडीशंस पे बात थी, तो ये इकोनॉमिक कंडीशंस का ये देखिए आपके पास जो है इसको इकोनॉमिक कंडीशंस के जो लेबल्स थे वो आपके पास वन जो है मच वर्स, टू स्लाइटली वर्स, थ्री दी सेम, फोर बेटर बेस्ट, तो इसी तरह से आपके पास दूसरे वेरिएबल्स के लेबल्स हैं जिसको आप जो है एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं डेटा एंट्री के लिए और पॉसिबल ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो का जो पर्पस है वो ये है कि अगर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हों तो उसको कैसे एंटर करते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे से आके ऑफिस में पूछा है, तो आई थॉट टू अपलोड शॉर्ट वीडियो आने ताकि सबको इसका बेनिफिट हो जाए। थैंक यू वेरी मच।